एमआई को छोड़ आरसीबी के कप्तान बने रोहित तो सूर्या, बुमराह, ईशान भी हुए बाहर। फिर जो कहा उसको सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। रोहित के बिना एमआई से नहीं खेलेंगे आरसीबी, प्लीज मुझे भी शामिल कर लो। एक तरफ बुमराह ने बात कही और दूसरी तरफ सूर्य कुमार यादव जैसे बेहतरीन बल्लेबाज आरसीबी हम भी नहीं खेलेंगे, टीम में आएंगे, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं भी आरसीबी से खेलूंगा और रोहित शर्मा के साथ रहूंगा। एक तरफ जो है हार्दिक पांड्या के साथ रहना कोई भी पसंद नहीं कर रहा है। आप सभी को बता दूं कि एमआई ने रोहित शर्मा जैसे दिग्गज कप्तान को बाहर निकालकर फेंक दिया है, जहां पर एक नए कप्तान का चयन कर दिया है जिसका नाम है हार्दिक पांड्या। हालांकि हार्दिक पांड्या अभी तक जो है रोहित शर्मा के कप्तानी में अंडर में खेलते रहे, लेकिन अब एक पल में ऐसा क्या हो गया कि रोहित शर्मा को बाहर निकाल फेंका और एमआई का नया कप्तान हार्दिक पांड्या को बना लिया। पूरा का पूरा आपको लाइव अपडेट देने वाले हैं, पूरी की पूरी जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक अभी कर दीजिएगा। एमआई को छोड़ आरसीबी के कप्तान बने रोहित। हालांकि एमआई को छोड़ तो दिया है रोहित ने, यानी कि रोहित को बाहर तो निकाल दिया गया है, लेकिन एमआई से बेहतर लाखों करोड़ों के रोहित शर्मा के लिए ऑफर आ रहे हैं। आप सभी को बता दूं कि रोहित शर्मा के लिए लाखों करोड़ों फैंस चाहने वाले हैं, वो यही कह रहे हैं एमआई का कप्तान हार्दिक पांड्या को नहीं बल्कि रोहित को बनना चाहिए। जहां पर हार्दिक पांड्या के फैंस चाहने वाले यही कह रहे हैं कि हार्दिक को एमआई का कप्तान बना करके मुंबई टीम्स ने गलत किया है, मुंबई इंडियंस ने बहुत ही ज्यादा गलत किया है। जहां की तक 10 साल तक रोहित शर्मा ने एमआई की कप्तानी की मुंबई इंडियंस की और जहां तक 5 ट्रॉफी मुंबई टीम्स को जीत कर दी, लेकिन वहीं पर एक पल में ऐसा क्या हो गया जो रोहित शर्मा को निकाल कर फेंक दिया और एमआई का कप्तान हार्दिक पांड्या को बना दिया। जो सही माने में इसका जो हकदार था वो रोहित शर्मा ही था, यही चारों तरफ फैंस भी कह रहे हैं। लेकिन अब लाखों करोड़ों जो है अन्य बाहर विदेशी की टीमें जो है रोहित शर्मा को लाखों करोड़ रुपए देने के लिए तैयार है। हालांकि रोहित शर्मा के टीम से जाते हुए जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, रविंद्र जडेजा, सूर्य कुमार यादव जैसे दिग्गज खिलाड़ी जो है रोहित शर्मा के अंडर में खेलना चाहते हैं, रोहित शर्मा के साथ जाना चाहते हैं। हार्दिक पांड्या के अंडर में कोई नहीं खेलना चाहता है, क्योंकि हार्दिक पांड्या का अभी वजूद रोहित शर्मा जैसा नहीं है। रोहित शर्मा एक कप्तान के रूप में, एक खिलाड़ी के रूप में, एक भाईचारे के रूप में काफी बेहतर माने जाते हैं, और ये जब अपने बंदों के साथ, अपने खिलाड़ियों के साथ खेलते हैं तो काफी दिली लगाव से खेलते हैं, जहां पर इनकी पहचान अपने खिलाड़ियों के प्रति काफी अच्छी रहती है। हालांकि एमआई ने रोहित शर्मा को निकाल तो दिया है, लेकिन अब रोहित शर्मा को हो सकता है कि दोबारा एमआई को बुलाना पड़ जाए। लेकिन अभी रोहित शर्मा चुप्पी साधे बैठे हुए हैं, उन्होंने हार्दिक के लिए कुछ भी नहीं कहा है। लेकिन हार्दिक को एमआई का कप्तान बनते ही हार्दिक ने ना ही तो जो है रोहित शर्मा को बधाई दी है और ना ही रोहित शर्मा से आशीर्वाद लिया है। हार्दिक को काफ़ी ज़्यादा घमंड हो गया है, ऐसा लोग कह रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, हार्दिक फैंस जो है चाहने वाले हैं वो भी रोहित शर्मा के सपोर्ट में हैं। एमआई भी अब हैरान है कि आखिरकार रोहित शर्मा को इतने लाखों करोड़ों रुपए कैसे मिल रहे हैं। अन्य विदेशों की टीमें हैं वो रोहित शर्मा को बुला रही हैं कि मेरी टीम से कप्तानी करो, तो मेरी टीम से कप्तानी करो, तुम्हें 25 करोड़, कोई 80 लाख ऐसे देने को तैयार है। आप सभी को बता दूं, इस तरफ नीता अंबानी भी काफ़ी लाखों करोड़ों रुपए देने के लिए तैयार हैं रोहित शर्मा के लिए, क्योंकि वो रोहित शर्मा को काफ़ी ज़्यादा मानती हैं और रोहित शर्मा एक बेहतरीन दिग्गज खिलाड़ी हैं और एक दिग्गज बल्लेबाज हैं और कप्तान के रूप में भी नजर आते हैं। हालांकि एमआई ने रोहित शर्मा को छोड़ तो दिया है, अब जो है हार्दिक पांड्या को ले लिया है, लेकिन हार्दिक पांड्या को लेने के बाद अब एमआई है पछता रही है काफी ज्यादा। लल आपको लाइव अपडेट और हाईलाइट मुकाबले इस चैनल पर आपको मिलते रहेंगे आईपीएल के लिए, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर अभी कर दीजिए। मिलते हैं अगली नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।